एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुर है तो बैंक की शादी कराएगा मुझसे। तेरे को दिखता नहीं पैसा कितने आदमी है। फिल्म होगी आउट ऑफ इंडिया शूट, क्या इस बार फिल्म की शूटिंग होगी आउट ऑफ इंडिया? किस रोल में नजर आएगी फिल्म की लीड एक्ट्रेस? कौन सा इलीगल काम करता है फिल्म का विलन? एक वक्त था जब सलमान भाईजान का नाम ही सिर्फ उस फिल्म को हिट कराने के लिए काफी हुआ करता था, लेकिन आज का जमाना बदल गया है और सिर्फ भाई के नाम से फिल्म हिट नहीं होती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि भाई के नाम से 20% फिल्म हिट होती है, लेकिन बाकी की 80% के लिए फिल्म की कहानी, उसकी लीडिंग लेडी का किरदार, फिल्म का एक्शन, बाकी की सपोर्टिव कास्ट, फिल्म का विलन और साथ ही फिल्म के लोकेशंस का भी अच्छा होना जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिल्म की लोकेशंस फिल्म को हिट किस तरह से कराती है, तो आपको बता दें कि जितनी अच्छी फिल्म की लोकेशन होती है उतने ही अच्छे फिल्म के विजुअल्स भी होते हैं और साथ ही लोगों को भी कुछ नई जगह देखने का मौका मिलता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार वांटेड 2 के लिए भाईजान आउट ऑफ इंडिया शूटिंग करने का सोच रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि वांटेड पार्ट 1 में हमें सिर्फ मुंबई दिखाया गया था और इस फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई में ही की गई थी, तो वहीं वांटेड 2 में हमें मुंबई तो दिखाया जाएगा ही, लेकिन साथ ही उसमें हमें दुबई, मॉरिशियस, स्पेन, कोरिया या इस्तांबुल जैसी लोकेशंस भी दिखाई जाएगी जो इस फिल्म के प्लॉट से मैच करेगी, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़ा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम फिल्म की लीडिंग लेडी के किरदार की बात करें तो इस बार उनका किरदार सिर्फ हीरो के लव इंटरेस्ट का नहीं होगा, जिसे हर बार मदद के लिए हीरो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कंसेप्ट काफी पुराना हो गया है। इस बार तो वो एक दमदार किरदार में नजर आएंगी जो हीरो के कदम से कदम मिलाकर उसकी मदद करेंगी। ये पॉसिबल है कि वो किसी डिटेक्टिव या कॉप के किरदार में नजर आ सकती है। ये तो हो गई लीड एक्ट्रेस के किरदार की बात है। और अगर फिल्म के विलन पर फोकस किया जाए तो एक अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया होने वाला है, तो उसका किरदार काफी डेयरिंग वाला होगा जो काफी सारे इलीगल काम करता होगा, लेकिन उसका सबसे मेन काम होगा नेचुरल ऑयल्स की स्मगलिंग का। हम सभी जानते हैं कि जब पेट्रोल बनता है तो उस प्रोसेस के बाद जो वेस्टेज बचता है वो भी काफी कीमती होता है, और हमारा विलन इसी वेस्टेज की और बाकी के ऑयल्स की स्मगलिंग करके पैसे कमाता है, और जिसे पकड़ने का काम होगा सल्लू भाई जान का, और उनका ये चेज देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आप आजकल कौन सी एक्शन मूवीज या सीरीज देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप इस सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।